हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज जो वीडियो होने वाला है वो राजस्थान बोर्ड के उन सभी स्टूडेंटों के लिए होने वाला है जो अपना जो एग्जाम है सप्लीमेंट्री का वो 2023 में देने वाले हैं। बच्चों देखो, एग्जाम देने से पहले चाहे आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो चाहे आप 12th क्लास के हो, आपको पासिंग मार्क्स जो क्राइटेरिया होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम का वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसी हिसाब से क्या करोगे बच्चों, तैयारी करोगे। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम की स्पेशल तैयारी करवाई जा रही है। अभी तक आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो। यदि आपको हमें पर्सनली मैसेज करना है तो आपके सामने पीडीएफ वगैरह के लिए यहाँ पर नंबर शो कर रहा है स्क्रीन पर, आप हमें मैसेज कर सकते हो। बच्चों सप्लीमेंट्री एग्जाम निकालना है तो तैयारी तो करनी ही होगी। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको पास होने के लिए सप्लीमेंट्री एग्जाम में कितने मार्क्स चाहिए। मैं बात करूंगा 10th वालों के लिए भी और बात करेंगे हम 12th क्लास वालों के लिए। पहले बात करते हैं 12th क्लास वालों के लिए। देखो 12th क्लास बच्चों, इसमें दो प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है नॉन प्रैक्टिकल, एक होता है आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जो हिंदी इंग्लिश है वो आपका कंपलसरी होता है, तो इन चारों की ही बातें कर लेता हूं। देखिए, एक तो आपके पास होता है हिंदी, एक आपके पास होता है इंग्लिश, और एक होता है आपके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ठीक है जी। एक होता है आपके पास नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब देखिए, इनमें पास होने के लिए सप्लीमेंट्री में आपको कितने मार्क्स लाने होंगे, मिनिमम की बात कर रहा हूं बच्चों में। देखिए, हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है, कंपलसरी जो सब्जेक्ट है इनका एग्जाम तो आप सभी को पता ही, 80 मार्क्स का एग्जाम होता है और प्लस में क्या होते हैं आपके 17 अंक होते हैं, 17 अंक आपके भेजे जाते हैं, 20 या 19 या 18। फिलहाल तो मैं 20 लेकर चल रहा हूं, ठीक है। तो 80-20 मिलाकर आपके जो टोटल हो जाता है 100 नंबर। अब बच्चों जो 17 अंक, इसमें एक लफड़ा है, डिपेंड करता है स्कूल वालों के ऊपर कि आपके जो 17 अंक मेन बोर्ड एग्जाम में कितने भेजे थे, 19, 18 या 20 भेजे हैं बच्चों तो उनको दोबारा चेंज करने वाले नहीं है। यदि आपको 17 अंक 15, 16, 14 के आसपास भेजा है तो आप स्कूल जाकर भैया रिक्वेस्ट अभी से कर लेना यदि आपको सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होना है तो, क्योंकि 17 अंक नंबर का बहुत बड़ा रोल होता है सप्लीमेंट्री एग्जाम में पास होने के लिए। क्यों होता है सुनना ध्यान से। देखो, हिंदी इंग्लिश में आपको पास होने के लिए थ्योरी के नंबर मिलाकर और 17 अंक के नंबर मिलाकर आपको 33 नंबर जोड़ने होते हैं, ठीक है, दोनों में, ठीक है। यदि आपके 17 अंक के नंबर मान लीजिए 18 भेजे हैं उन्होंने, तो फिर आपको थ्योरी में 33 करने के लिए फिर आपकी मजबूरी है कि भैया आपको 15 नंबर लाने होंगे। सोच के देखो, 15 नंबर लाने में ना कितना लोड आ जाएगा आप सभी को ऊपर, सोच के देखो। जब मेन बोर्ड एग्जाम में आपके नंबर नहीं आए तो सप्लीमेंट्री एग्जाम में आपको कितनी तैयारी करनी होगी 15 नंबर लाने के लिए। ये मत सोचना दोस्तों कि आपको ग्रीष्म मार्क्स मिल जाएगा, सप्लीमेंट्री एग्जाम में ग्रीष्म मार्क्स मिलता ही नहीं है भाई, ठीक है। तो ये तो हुआ आपका कंपलसरी सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश का पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और हम नॉन प्रैक्टिकल की। पहले बात करूंगा मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। देखो, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं आपको, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, इसमें एग्जाम तो होता है थ्योरी का आपका 56 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल, प्लस में 14 नंबर आपके 17 अंक के। देखो, यदि आपको प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री नहीं मिला है तो फिर आपको दोबारा प्रैक्टिकल नहीं देना पड़ेगा, तो इसमें तो पासिंग मार्क्स में इसका कोई रोल है नहीं। यदि आपको प्रैक्टिकल में सप्लीमेंट्री लगे तो फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिकल देना होगा, ठीक है। तो याद रखना, पासिंग मार्क्स में प्रैक्टिकल का तो यहाँ कोई रोल है नहीं, क्योंकि आप प्रैक्टिकल में पहले ही पास हो चुके हो। तो फिर आपका 56 का बचा थ्योरी का और 14 बचा आपका 17 अंक का, ठीक है। तो देखो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में थ्योरी प्लस 17 अंक मिलाकर आपको लाने पड़ते हैं 23 मार्क्स, ठीक है। देखो ध्यान से, 23 कैसे कैसे आप ला सकते, यदि 14 आपके पूरे 17 अंक गए हैं तो फिर आपको सिर्फ 56 में से 9 ही नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। और बच्चों, 9 नंबर लाने में ना जान निकल जाती है बच्चों की, इसीलिए मैं आप सभी से अभी कह रहा था कि भैया पीडीएफ के लिए आप हमें मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो और तैयारी करो, अभी से लग जाओ। यदि आपको नंबर नहीं लाने, आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है दोस्तों,
पासिंग मार्क्स नहीं लाना, आपको सिर्फ नौ ही नंबर नहीं लाने, आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है। तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। मान के चले 17 आगे सिर्फ आपके 12 ही भेजे, ठीक है जी, फिर आपको 23 बनाने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, शायद 11 नंबर और लाने पड़ेंगे, तो 11 और 12 मिलके 23 बन जाएगा आपका, ठीक है। ये तो हुआ आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। अब बात कर लेते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की। देखो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जैसे पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, है ना, संस्कृत साहित्य हो गया आपका, ऐसा तो इसका जो एग्जाम होता है भैया वो 80 नंबर का होता है, 20 का आपका थ्योरी होता है, ठीक है। तो 80 और 20 मिलाकर आपको 33 मार्क्स ही लाने होंगे, ठीक है। याद रहे पास होने के लिए थ्योरी प्लस 17 अंक 33 चाहिए, ठीक है। अब 17 अंक कम भेजे हैं तो फिर आपको थ्योरी में थोड़े मार्क्स लाने होंगे तभी आप पास होंगे। यदि एक नंबर भी दोस्तों कम पड़ गया ना तो साल आपकी बर्बाद हो जाएगी, फिर साल भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं हम टेंथ क्लास वालों की। देखिए भाई टेंथ क्लास वालों, आपके जो टोटल सब्जेक्ट होते हैं वो होते हैं 6 सब्जेक्ट, ठीक है। 5 तो सबके लिए कॉमन ही होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस। एक आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट हो जाता है अलग, किसी का मन उर्दू में है तो उर्दू लेगा, किसी का मन संस्कृत में है तो फिर वो संस्कृत लेगा, ठीक है। अब देखिए हर एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होता है, ठीक है, प्लस में आपके 20-17 अंक के होते हैं, टोटल आपका 100 मार्क्स का ये पेपर हो गया। लेकिन आपको 100 में से सिर्फ लाने होंगे भैया 33 नंबर, सिर्फ आपको 33 लाने होंगे। किसको मिलाकर, थ्योरी प्लस में सेशनल मार्क्स को मिलाकर आपको 33 लाने होंगे। यदि आपने 80 में से आपने मान लीजिए 17 अंक मान लीजिए, आपके 20 में से मान लीजिए 17 ही गए, ठीक है, तो फिर आपको थ्योरी एग्जाम में कितने नंबर लाने होंगे, 16, तभी आप क्या होंगे, पास होंगे। ध्यान रखना इस बात को, 16 नंबर बच्चों को वैसे ही नहीं आते, तैयारी करनी पड़ती है। आप सोच के देखो, आपको सप्लीमेंट्री लगाया है, इसका मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट में कमजोर थे, अब कमजोर है और आपको पास होना है तो आप पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकते, आपको वही चीजें पढ़नी पड़ेगी जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो और जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ सभी से, अब भी आपके पास समय है, समझ जाओ, समझो चीजों को। अभी तक आपने पीडीएफ के लिए हमसे कॉन्टेक्ट नहीं किया है तो आप कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि समय नहीं है बच्चों, समय नहीं बचा है हमारे पास यदि आपको एग्जाम निकालना है तो। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।